अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज व्यूवर्स हम आ गए हैं फिशरी कराची की बड़ी फ़िश मार्केट है ये, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सारी किस्म की हर तरह की फ़िश यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये कुन फिश है और जो है जनाब मतलब यहाँ मुझे इतना फ़िश के नाम के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हर किस्म की यहाँ पर फ़िश मौजूद थी और बिल्कुल फ्रेश। और आप देख सकते हैं मुझे बहुत यूनिक लगी ये है जनाब तोता फ़िश, और इसका नाम भी तोता है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, और माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत है और मुझे तो ये भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर जो है ख़रीदार भी आते हैं, यहाँ पर फिशरी के लोग भी परचेज़ करने आते हैं, यहाँ पर दुकानदार भी परचेज़ करने आते हैं। और एक मार्केट लगती है सुबह में और एक मार्केट लगती है यहाँ पर शाम में। हम गए थे शाम के टाइम, तो देख सकते जो फ़िश के बहुत ज़्यादा शौकीन है यहाँ पर लोग आते हैं, जिनको क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा फ़िश लेनी होती है और यहाँ पर लोग विज़िट करते हैं लेने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ आप के यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको फ्रेश ताज़ी, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर फ्रीज़ हुई भी कोई पुरानी फ़िश हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेली जो है ये फ़िश आती है और यहाँ पर जो है वो ख़रीदार जो है वो ख़रीद कर फ़िश को ले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बेसिकली कौन पसंद है, हम सुरमई खाते हैं, तो हमने भी सोचा चलें इस दफ़ा जो है वो फिशरी से फ़िश को परचेज़ किया जाए। और ये देख सकते हैं यहाँ ये धोतर फ़िश रखी हुई है। तो हमारा भी जाने का एक्सपीरियंस यूं ही हुआ कि भाई की जॉब जो है वो फ़िशरी में होती है और ये फ़िशरी के बैक साइड पे ही फ़िश की मार्केट है, तो हमने सोचा चले जी चला जाए। अब वाओ देख सकते हैं ये लॉबस्टर है जनाब, कितना बड़ा है ये लॉबस्टर। तो इतनी यूनिक आपको यहाँ पर चीज़ें, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं गई थी और इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत ये फ़िशेज़ थी और बिल्कुल फ्रेश ये फ़िश थी। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये मुश्का है, मुझे नाम इतने याद नहीं होते तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे लिख भी दिया आप लोग की आसानी के लिए। जिन जिन फ़िशेस का मुझे पता था उसका मैंने नाम लिख दिया है जनाब। ये भी तोता फ़िश है, ये बड़े साइज़ की तोता फ़िश है। वाओ देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये धोतर है और हीरा फ़िश है, यहाँ पर आपको हर तरह की हर किस्म की जो है वो फ़िश मिलती है। अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं, आगे सीज़न आ रहा है और अगर आप शौकीन हैं खाने के तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये देखें जनाब ये सुरमई फ़िश रखी हुई है, कितना बल्कि में ये रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये सारी जो है ये सुरमई है, और ये मुझे नहीं पता ये कौन सी है, ये धावर फिश है। ये देख सकते हैं आप ये स्वॉर्ड फिश है। मुझे इतना, ये देखें कितनी लंबी है, ये कितनी बड़ी है, मुझे नहीं इतने फ़िश के बारे में नाम नहीं पता, तो मेरे लिए तो प्रोनाउन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देखें जनाब मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा जाकर के, इतनी हर तरह की हर वैरायटी आपको यहाँ पर फ़िश की देखने को मिली, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर जो एक देखें कितने ख़रीदार आए हुए हैं। एक्चुअली कराची में एक यही बड़ी मार्केट है जहाँ पर आपको हर तरह की फ़िश मिल जाती है, और यहाँ पर ख़रीदार आते हैं, फ़िशरी के लोग आते हैं परचेज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो है आपको ताज़ी फ़िश मिलती है, तो यहाँ से लोग लेकर जाके परचेज़ करते हैं। और जिन लोगों को बहुत शौक़ होता है खाने पीने का, वो जिनको बहुत ज़्यादा लेनी होती है, वो जनाब यहाँ पर विज़िट करते हैं और यहाँ से फ़िश लेते हैं।
तो ये देखें, ये फिर से तोता फिश आ गई। ये भाई मुझे बहुत पसंद आई थी। तो चले जी, हमने भी परचेज़ करी। एक तो हमने वाइट कुंद परचेज़ करी थी और एक काला कुंद परचेज़ की थी। तो हमने जो है फिर इसकी कटिंग करवाई। अच्छा, काला कुंद में और सफ़ेद कुंद में ये फ़र्क है कि जो काला कुंद होता है उसका गोश हल्का सा जो है वो ग्रेश टाइप का निकलता है, और जो वाइट कुंद होता है उसका गोश अंदर से वाइट होता है। लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट में मुझे सबसे ज़्यादा जो टेस्ट दोनों में अगर डिफरेंस करें अच्छा लगा, वो मुझे वाइट कुंद का अच्छा लगा। और इनमें जो है वो कांटा भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िश। तो हम ज़्यादातर कुंद खाते हैं या फिर सुरमई खाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके पीसेस करवा लिए थे। और रेट इनका ऐसा था कि जो मार्केट में वहाँ आपको महंगी मिलती है और यहाँ पर जो है वो आधो आध का फ़र्क आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, अब ये जो है जनाब कटिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये काला कुंद है और ये हो रहा है कट। ये देख सकते हैं आप, काला कुंद का गोश आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आधा जो है वो ब्लैक है और आधा जो है वो वाइट है, तो इसीलिए इसको काला कुंद कहते हैं। और बिलीव मी व्यूअर्स, ये खाने में इतनी टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। वाइट कुंद मुझे बहुत पसंद आई थी, तो वाइट कुंद का टेस्ट मुझे काला कुंद से ज़्यादा अच्छा लगा। ये देख सकते हैं आप दोनों में डिफरेंस। तो जनाब हमारी दो फ़िश हो गई है रेडी बनके, और ये देख सकते हैं कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है ये। और इसका गोश्त देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाइट है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें दोनों कुंद हैं, लेकिन एक का जो गोश है वो थोड़ा ब्लैकिश है और एक का जो गोश है वो वाइट है। तो जनाब अब आप चलते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राउन्स हैं, और ये फिशरी की वीडियो है। यहाँ पर जो है ये प्राउन्स की छाटी हो रही है, जो छोटे हैं, जो दरमियाने हैं, जो बड़े हैं, उनको सेपरेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है ये जो है ये फ्रीज होते हैं, इनको बर्फ़ में रखा जाता है, और उसके बाद जो है इन्हें ये बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं। और ये वाले भी जो हैं ये साफ़ हैं, और वो जो थे वो छिले हुए नहीं थे, और ये साफ़ हुए हुए झींगे थे। तो जनाब इनको साफ़ करके जो है इनको भी जो है वो पैक कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इनको ड्राई किया जा रहा है और इन्हें फ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हुए हुए प्राउन्स हैं, और ये देख सकते हैं ये फ्रीज़ हो रहे हैं। ये सिंगल सिंगल इनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि इनको पैक कर दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं सारा प्रोसीजर चल रहा है, और ये वीडियो फिशरी की है जहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है फिशेस को, प्राउन्स को, सारा जो ये सी फूड है इसको यहाँ पर साफ़ करके और पैक करके इसको जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये साफ़ हुआ हुआ झींगा है, और इसको पैकेट में डाल के और इस तरह से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो हैं ये इस तरह के आइस रूम्स होते हैं, वहाँ पर इनको रखा जाता है। देन उसके बाद ये जो है लोड हो जाते हैं कंटेनर्स में। ये देख सकते हैं आप, इसका जो है सारा फ्रीज़ हुआ हो रहा है ये। और जनाब ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के फ्रीज़ कंटेनर्स में इनको जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है रखकर। तो जनाब ये आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं अब लोड हो गए हैं पैकेट। तो जनाब चलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और आपको जनाब मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।